गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन एंड यू ऑल मस्ट बी पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज. टुडे इन ईवीएस वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स के बाकी यूजेस क्या क्या हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. हियर यू कैन सी, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ थिंग्स हैं, आपको उनके मटेरियल से उन्हें मैच करना है कि वो किस चीज़ का बना है. पहला यहाँ पे बुक है या कॉपी है, तो इसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया है, पेपर. दूसरा यहाँ पे टेबल है, इसको किस चीज़ से बनाया गया है, वुड. तीसरा यहाँ रबर है, तो रबर से किस चीज़ को बनाया गया है, टायर को. और फाइबर से क्लोथ को या गारमेंट को आप बोल सकते हो. तो यहाँ पे मटेरियल्स को टिक करना था, तो आई हैव डन, मैच करना था. प्लांट्स आर यूजफुल टू द एनवायरनमेंट. प्लांट्स आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं. क्यों? क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, है ना, खाने के लिए फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, स्पाइसेस देते हैं ना. तो वैसे ही प्लांट्स यूजफुल हैं क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट हैं, यूजफुल हैं, ठीक है. और वो आपके एनवायरनमेंट को सुंदर भी बनाते हैं. ओके, तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. सारे लिविंग थिंग्स को हवा चाहिए, एयर चाहिए जिंदा रहने के लिए. क्यों? क्योंकि हवा में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन उनके काम आता है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए. दे ब्रीथ इन अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन. क्योंकि लिविंग थिंग्स जो भी हैं, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग्स हो, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए. एंड ब्रीथ आउट अनदर गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. और वो ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन यानी अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, एंड ब्रीथ आउट मतलब बाहर क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके यूज़ में आता है, प्लांट्स के यूज़ में आता है. और प्लांट्स एक्सचेंज में क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड ऑल प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स क्या इनहेल करता है, मतलब क्या लेता है अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. और आपको देता क्या है, ऑक्सीजन देता है. तो ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो, वो क्या लेते हैं, ब्रीथ इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं. और बाहर क्या जाता है, व्हाट दे रिलीज, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन प्लांट्स के केस में ये ऑपोजिट है, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है. इन दिस वे प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन फॉर ब्रीदिंग. और इस तरीके से प्लांट जो है वो आपके हवा को शुद्ध बनाता है. प्लांट्स आर यूजफुल टू एनिमल्स. प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स के लिए भी यूजफुल हैं. कैसे, एनिमल के सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी हैं. कैसे, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं और इन एनिमल्स को फिर दूसरे एनिमल्स खाते हैं, समझ रहे हो. मेनी एनिमल्स ईट प्लांट्स. इस तरह के कई एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं. एंड द रेस्ट ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स विच ईट प्लांट्स. और इसको यानी कि जो ग्रास खाने वाले या प्लांट्स खाने वाले जो एनिमल है उनको फिर दूसरे एनिमल्स खाते हैं, ठीक है. ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर होम टू मेनी एनिमल्स. ट्रीज और फॉरेस्ट, जंगल और पेड़ जो है बहुत सारे जानवरों का क्या है, घर होता है. मैनी बर्ड्स मेक नेस्ट इन ट्रीज एंड बुशेस. बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो घोंसलों में क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं अपना, पेड़ों में, सॉरी घोंसलों में घर बनाते हैं. ये मतलब हो गया आपका कि मैनी बर्ड्स मेक नेस्ट इन ट्रीज एंड बुशेस. बुशेस में, झाड़ियों में, पेड़ों में बहुत सारे बर्ड्स जो है वो अपने घोंसले बनाते हैं. घोंसले क्या है, उनके घर है. सम एनिमल्स टेक शेल्टर इन द शेड ऑफ बिग ट्रीज. अब कुछ बड़े बड़े जानवर हो या छोटे जानवर भी हैं, बर्ड्स तो अपने घोंसले बना के रहते हैं. जानवर जो होते हैं वो पेड़ों के नीचे, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके छांव के नीचे आराम करते हैं या रहते हैं, आप बोल सकते हो. प्लांट गिव अस मेनी थिंग्स. प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं फूड के अलावा. वी गेट मेनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स. हम लोग को प्लांट से बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वुड, मेडिसिन, फाइबर, ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू, परफ्यूम्स, पेपर, रबर, गम, डाइज, पेंट, वार्निशेस और भी कई तरह की चीज़ें.
ये सब हमें किन से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो वुड क्या है? ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ सम ट्रीज गिव वुड। ट्रंक और ब्रांचेस, टहनियाँ जो होते हैं पेड़ के, उनसे हमें क्या मिलता है? लकड़ी मिलता है। वुड इज़ मेनली यूज टू मेक टेबल चेयर्स, वुड सॉरी डोर्स विंडोज, ये सब चीज़ों को बनाने के लिए, टेबल चेयर डोर विंडो ये सब को बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? वुड का। योर पेंसिल इज़ ऑल्सो मेड ऑफ वुड, आपकी जो पेंसिल है जिससे आप लिखते हो वो भी किस चीज़ का बना होता है? वुड का, लकड़ी का बना होता है। वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग बोट्स एंड कार्ट्स, बोट और कार्ट बनाने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ लुक अराउंड योरसेल्फ, राइट द नेम ऑफ फोर थिंग्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन द लेसन मेड ऑफ वुड। कोई भी चार चीज़ों का यहाँ पे नाम लिखना है जो लकड़ी का बना होता है, जो आपके चैप्टर में नहीं मेंशन्ड है। मेडिसिंस यानी कि दवाइयाँ, सम प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिंस, सम कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स आर द बेसिल दैट इज तुलसी, गूसबेरी दैट इज आंवला, नीम, बेलाडोना एक्सेट्रा। इस तरह के जो प्लांट्स हैं ये क्या होते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से जो निकलता है वो मेडिसिन होता है, मेडिसिन यानी दवाई जैसा काम करता है, ये प्लांट्स जो होते हैं वो दवाई जैसा काम करते हैं। ओके, एग्जांपल है बेसिल, गूसबेरी, नीम एंड बेलाडोना। ओके, यू हैव रेड अबाउट क्लोव्स, क्लोव्स क्या है? स्पाइसेस में आता है। क्लोव्स आर वेरी यूजफुल टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन इन अ सर्टेन बॉडी पार्ट। अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है तो आप अगर क्लोव्स जो है उसको खाओगे या मुंह में लोगे तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट, तो यहाँ पे आपको उस बॉडी पार्ट का नाम लिखना है, यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, फाइबर, फाइबर किसको कहते हैं? सम प्लांट्स गिव अस फाइबर, फाइबर हमें कुछ पौधों से मिलता है। कॉटन प्लांट्स गिव अस कॉटन फाइबर, कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं, कॉटन प्लांट्स जो होते हैं वो हमें कॉटन फाइबर देते हैं। फ्लैक्स प्लांट जो होते हैं वो लिनन फाइबर देते हैं। और दीज फाइबर यानी ये जो फाइबर्स हम लोग को मिलते हैं इनका क्या यूज़ है? इनका यूज़ आता है कपड़े बनाने में। फ्रॉम फाइबर्स ऑफ जूट एंड कॉयर वी मेक मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक सैक्स, रोप्स एंड मैट्स। जूट और कॉयर के जो फाइबर होते हैं इनसे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, पर कॉटन और लिनन फाइबर इन सब चीज़ों से कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, ऑयल्स, ऑयल्स यानी कि तेल। तो आपको तेल जो होता है, हम लोग इससे पहले पढ़े थे कुकिंग ऑयल के बारे में, जो हम लोग को प्लांट से ही मिलता है। यहाँ पे कुछ और भी तेल है जैसे बॉडी ऑयल, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल भी है यहाँ जो हमें प्लांट से मिलता है। ओके, तो कुछ प्लांट्स के सीड्स को, किसी के नट्स को, किसी के फ्रूट्स को क्रश करके ऑयल बनाया जाता है। सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर क्रश टू मेक ऑयल्स। ओके, बिसाइड्स कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल के अलावा हेयर ऑयल, बॉडी ऑयल ये सब भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। सोप, टूथपेस्ट एंड शैम्पू, सोप यानी कि साबुन, टूथपेस्ट जिससे आप ब्रश करते हो तो टूथपेस्ट लगाते हो ना, दैट एंड शैम्पू जो बाल में आप शैम्पू लगाते हो, धोते हो बाल को, तो ये सारी चीज़ें भी कहाँ से बनती हैं? ये सारी चीज़ें भी प्लांट से ही मिलती हैं। जूसेस एंड ऑयल्स फ्रॉम सर्टेन प्लांट्स आर यूज्ड इन सोप, टूथपेस्ट एंड शैम्पू। कुछ प्लांट्स के जूसेस और ऑयल यानी कि तेलों से शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट ये सब बनाए जाते हैं। परफ्यूम्स, परफ्यूम्स यानी कि जो आप स्मेल करने के लिए आपको मिलता है ना, फ्रेगनेंस देता है आपको, आपके बॉडी में आप परफ्यूम लगाते हो कहीं जाते हो तो। वेरियस पार्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, प्लांट के अलग अलग पार्ट से परफ्यूम बनाया जाता है। स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मिन एंड सैंडलवुड आर यूज इन परफ्यूम्स, परफ्यूम में जैस्मिन, सैंडलवुड, रोज इन सब का यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए। रोज़ परफ्यूम, जैस्मिन परफ्यूम, सैंडलवुड परफ्यूम, देखो यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है। पेपर, रबर और गम का क्या यूज़ आता है? पेपर जो होता है वो हमको कहाँ से मिलता है? द पेपर वी यूज़ इन मेड इज़ मेड फ्रॉम बम्बू ट्रीज, वी गेट फ्रॉम बम्बू ट्रीज। रबर इज़ मेड फ्रॉम द सैप ऑफ द रबर ट्रीज, सैप पता है ना, द लिक्विड दैट फ्लोज विद इन द प्लांट। तो रबर कहाँ से मिलता है? सैप से मिलता है, किसके? रबर ट्री के सैप से। रबर इज़ यूज फॉर मेकिंग टायर्स, ट्यूब्स, ग्लव्स, इरेजर एक्सेट्रा। रबर जो होता है उससे टायर्स बनते हैं, ट्यूब्स बनते हैं, ग्लव्स बनते हैं, इरेजर बनते हैं।
और गम जो होता है वो हमें एकाकिया ट्री से मिलता है, एंड गम इज़ यूज टू मेक ग्लू। गम से क्या बनाया जाता है? ग्लू बनाया जाता है, और ग्लू किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, जैसे आपका पेपर फट जाता है तो आप उसको पेस्ट करने के लिए गम का यूज़ करते हो, सॉरी ग्लू का यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यूज़फुल हैं, सब चीज़ का अपना अपना यूज़ है। और ये सारी चीज़ें हमें किन से मिलती हैं? अलग अलग प्लांट से मिलती हैं। डाइज, पेंट्स एंड वार्निशेस। द सैप ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग डाइज। कुछ प्लांट्स के सैप को डाई बनाने में, पेंट बनाने में, वार्निशेस बनाने में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट डाइज फ्रॉम प्लांट्स लाइक हेना एंड इंडिगो। डाइज, आपके मम्मी पापा देखते हो बाल में डाई करते हैं, तो वो डाई कहाँ से आता है? प्लांट से ही आता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हेना एंड इंडिगो। हेना किसको बोलते हैं? मेहंदी को ही बोलते हैं, ठीक है। अदर यूजेज ऑफ प्लांट, वी मेक मैन्योर फ्रॉम ड्राई लीव। पत्ते जो सूख जाते हैं उनसे खाद बनाया जाता है, मैन्योर बनाया जाता है। मैन्योर हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप, वो क्रॉप्स को ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प करते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउसेस विथ इंडो प्लांट, हम लोग अपने घर को सजाते हैं इंडो प्लांट से। सजा सकते हैं आप, मतलब कुछ लोग सजाते हैं कुछ लोग नहीं सजाते, तो आप प्लांट से सजा सकते हो अपने घर को भी। वी मेक गार्लेंड्स एंड बुके ऑफ फ्लावर्स, यूज़ देम ऑन स्पेशल ओकेजन्स। हम लोग गार्लेंड्स और बुकेज जो हैं वो स्पेशल ओकेजन्स पे किसी को गिफ्ट करते हैं, या कुछ लोग यूज़ करते हैं, पहनते हैं। ये भी किस चीज़ का बना होता है? ये भी प्लांट से ही मिलता है हम लोग को। तो आपको समझ आया होगा कि प्लांट्स के बहुत सारे यूजेज हैं। ये ना ही सिर्फ फूड देता है, ना ही सिर्फ एयर देता है, बल्कि और भी चीज़ें देता है, ठीक है। जैसे वुड, पेपर, रबर, गम, डाइज, बहुत सारी चीज़ें देता है, ठीक है। तो हमें प्लांट सिर्फ फूड के लिए या एयर के, ऑक्सीजन के लिए ही काम नहीं आता, वो और भी चीज़ों में काम आता है। ओके, दैट्स ऑल। इसीलिए आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने प्लांट्स लगाने चाहिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू।